हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। फिर आज आप लोग लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पहाड़ी मधुमक्खी एपिस सेरेना इंडिका के बारे में लगातार आप लोगों को वीडियो देता आ रहा हूँ। जैसे कि आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये मधुमक्खी तो हो गया, उसके साथ में जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ से ठीक अपोजिट मेरा गाँव यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों मोबाइल का कैमरा से उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, ये मेरा गांव है दोस्तों, जहाँ पर मैं रहता हूँ और जहाँ मैं फार्मिंग करता हूँ। दोस्तों ये बीच में जो जगह दिखाई दे रहा है, बीच में मेरा गांव है दोस्तों। ये ऊपर जो दिख रहा है आप लोगों का, एक आर्मी कैंप है जहाँ पर लेबोंग बोल के बोलता है, उसके ठीक नीचे मेरा गांव है। वहीं पर मैं अपना बीकीपिंग का, मधुमक्खी पालन का फार्म उधर लगा के रखा हुआ हूँ। और ठीक आज मैं वहाँ से पूरा रास्ता इधर ऊपर से होके यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक मधुमक्खी निकालने के लिए आया हूँ। और अभी ये देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर है बहुत बड़ा झुंड है ये, क्योंकि इसका जो इस टाइम में इसका जो काम करने का तरीका दिखाई दे रहा है, तो ये छोटा झुंड नहीं है दोस्तों। तो अभी इसको यहाँ से पूरा इसको खोल के देखेंगे दोस्तों, और किस कंडीशन में है, क्या है, कैसे है, और वीडियो पर बने रहे दोस्तों। तो जो भी नया व्यूअर्स हो, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये में क्या है कि इसे हम फ्रेम हुक करने के लिए, यहाँ पर ऐसे फ्रेम हुक करने के लिए मैंने बनाया हूँ। और ये सेल्फ मैट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से बहुत आसान होगा आपको काम करने में। तो ये मैंने इस तरीके से अपने सेल्फ बनाया हूँ दोस्तों, मधुमक्खी को पकड़ने के लिए बक्से। और इसमें ज़्यादा नहीं, 6 फ्रेम जाएगा दोस्तों। देखिए, दो 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 करके 6 फ्रेम जाएगा। ये साइड में जो मैंने खुद बनाया हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेम रखने में थोड़ा आसानी होगा दोस्तों। तो अभी ज़्यादा देरी ना करके इसको खोलने का काम शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मधुमक्खी इसके अंदर है, जो ये देख रहे हैं आप, इसके पीछे वाले भाग में है दोस्तों। ये थोड़ा मैं लाइट करूं, ये देखिए इसके अंदर है, और ये बाहर जो नया कोम लगाया हुआ है ये, और सबसे अब इसको भी निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ये पुराना कोम देख सकते हो आप, ये पुराना कोम पूरा इसके अंदर गिराया हुआ है दोस्तों। तो ये है पूरा सील किया हुआ है, ये देखिए बढ़िया हनी कलेक्ट करके रखा हुआ है।
ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से तो मैंने काट दिया हूँ, लेकिन ये बीच में से पूरा टी करके किया हुआ है पार्टीशन, तो वहाँ से अंदर का जो बीच का अंदर वाला रूम जो पार्टीशन किया हुआ है वहाँ से अंदर गया हुआ है, मतलब कि देख सकते हो। तो इसको अभी हम अंदर से खोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि बाहर से जो अभी मैंने ट्राई किया, अभी खोला तो यहाँ से खोला था, लेकिन ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर इतने में, ये जो है इतने में बैठा हुआ है मधुमक्खी, यहाँ बैठा हुआ है, तो अभी इसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो दुकान है, मालिक को अभी मैंने बोल दिया हूँ, और यहाँ पर यहाँ से कट के, यहाँ से इतना कट के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बटन लगा हुआ है, अंदर पोस्ट लगा हुआ है, और यहाँ से ठीक इतना काटना पड़ेगा। तो काट के यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। अम्बो सटिस लिनेस त त्याउनुस् न तपाईले। सो दोस्त देख सकते हो दोस्तों, ये है पूरा सील्ड हनी, और बहुत बढ़िया तरीके से हनी लगाया हुआ है, और साथ में नीचे देख सकते हो आप लोग पूरा पोलन भी कलेक्ट किया हुआ है। उसके नीचे जाके फिर यहाँ पर देख सकते हो पूरा एगलिंग किया हुआ है दोस्तों, फ्रेश एगलिंग, ये देख सकते हो उसके अंदर तक है, ये अंदर तक है दोस्तों। अभी इसको फिर आराम से निकालेंगे। अभी यहाँ से नया कॉम शुरू कर रहा था, जो मैं हनी इसे थोड़ा पहले निकाल लिया, निकालना लेनास ना लेनास। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जाके इंट हुआ है इसका, और इतना बड़ा कोम लगाया हुआ है, इतना बड़ा कोम या नीचे से लेके ऊपर तक। पहले तो मैं आप लोग अच्छा दिखाने के लिए फ्लैश लाइट ऑन कर दूँ। ये देख सकते हो अभी मधुमक्खी सारे इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जाके हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी जा रहा है, ये देख सकते हो दोस्तों। क्या हूँ मैं, ये मेरा शायद फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा छत्ता कोई पार्टीशन से मैं निकाला हूँ, क्योंकि जितना भी आज तक मैंने पार्टीशन से निकाला हूँ इससे थोड़ा छोटा ही है दोस्तों, लेकिन ये ज़्यादा कोम वाला नहीं है, ये दो कोम वाला है, लेकिन दो कोम वाला बहुत बड़ा है दोस्तों। अभी वीडियो पर बने रहे। स्टार्ट को दस अंत मै जान फिर हाई मै जान ये।
अब चुक्को हेर्नु तपाईँको हातमा बाबु लेख्यौ आउँदैन के साथ डट छेर भन्दै छौ खान्छु ल यो सेकेन्ड सेकेन्ड पार्ट फेरि यो रानी लगेन भने हुन्छ नि है उब्रेकोले गर्दा रक्सी नपारे नि हुन्छ भाइले कहिले दिन गर्न थालेको भाइ पहिला त यस्तो गरेको जस्तो त लागेको थिएन त तिन वर्ष पनि भन्नु मौरीले तपाईँको फोनको चुस्नु थालिसक्यो तपाईँको फोनको चाखा चुस्नु थालिसक्यो यसले मलाई चिरो छ याद छ मलाई फेरि भइसक्यो नि त तिन लेयर थिएछ है गाइस देख सकते हो ये कम से कम भी तीन से चार साल से लगाया हुआ हनी है और इतना शानदार इतना अच्छा मैंने आज तक कभी ऐसा पार्टीशन घर से पुराना वॉल से मैं कभी नहीं निकाला था देखिए इतना बढ़िया तरीके से सील किया हुआ हनी है दोस्तों और ये जो मधुमक्खी है ये बहुत बड़ा झुंड है और ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है दोस्तों देखिए अभी तक मैंने ऐसा कहीं से नहीं निकाला था जितना भी मैंने आज तक निकाला है पेड़ों से निकाला है वॉल से निकाला हुआ है बहुत जगह से मैंने निकाला हुआ है लेकिन इस टाइप का इतना अच्छा देखिए आप अब भी इतना बचा हुआ है और अभी इसको ख़त्म करना है दोस्तों सो जितना भी नया व्यूअर्स हो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर और कमेंट तो आप लोगों को एक साल तो पुग्छ डबल हो यस्तो खालको फोर तिन तिन जग्गा जस्तो हुनु नि है भिडियो गर्नुहुन्छ होइन हजुर दोस्तो देख सक्ते हो पुरा पसिना से हाल हो गया इतना त बन्दै होगा भुख पचिल्दैला नि इतना बढ़िया हानि आज तक मैंने वॉल से कभी नहीं लिया हिकाएन चल्नु चाहिँ हुँदैन कि हिकाउँदैन त्यो यसरी चल्यो भने चाहिँ जाती हुँदैन नि त त्यही त
ठिक्क छर्दैन त यहाँ फेरि ठिक आउँछ त झारमा हजुर राणाले भेटेको छ नि राणा थुप्रो टाइम लाग्छ डुल्नु गइरहेको छ राणा यो त यिनीहरूलाई पनि चाहियो नि त है खाना त यति गऱ्यो भने त बस्छ नभए त कहाँ बस्छ है ए त्यसले ट्याग भयो नि त है सिल्ड भयो नि त सिल्ड गरेको त्यस गरे यो त प्योर हो नि यो कालेर छोरा यो त किनेर पाउँदैन बजारमा कहीँ गएर चुपो चुपेन चुपो त्यो चाहिँ पुरानो एकदमै पुरानो हो नि नयाँ त अर्कोमा हाल्नु नि पुरानो नयाँ मिक्स हो तो दोस्तों देख सकते हो एक छत्ते से देखिए एक झुंड से तीन क्या बोलता है इसे बोल तीन बोल में हनी निकला है और ये तो सिर्फ बचा हुआ है जो बाकी तो मैडम बताएंगे कौन कौन लेके चला गया बहुत सारे लोग लेके चला गया हनी और ये फ्रेश हनी है देख सकते हो दोस्तों ये फ्रेश हनी है जो इस साल का हनी ये पुराना हनी है जो पहले वाला हनी है तो इस तरीके से हनी निकला है दोस्तों अभी देखिए दोस्तों पूरा आसाम डल चुका है रात हो चुका है और मेरा गांव जो पूरा दिखने ही बंद हो गया है तो देखिए अभी मधुमक्खी ऑलमोस्ट सारे जा चुका है कुछ दो चार मधुमक्खी बचा हुआ है जो लाइट की वजह से बाहर है तो अभी मेरा काम तो ख़त्म हो गया सो गाइस जितने भी नया व्यूअर्स हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों सो अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस